आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्ते दोस्तों, यदि हम इस प्रश्न को देखें, ये वक्तव्य दिया गया है जिसके आगे दो पूर्वानुमान पहला और दूसरा दिए गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है चाहे वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन सा निश्चित रूप से सही पूर्वानुमान निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। हमें वक्तव्य दिया गया है, बड़े शहरों में रहने वाले लोग भीड़ भरी गाड़ियों या बसों में धक्कम धक्का करते हैं। दूसरा वक्तव्य है, वे सड़क पार करने के लिए तेज मोटर कारों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। शहर के लोगों के लिए यात्रा करना बहुत कठिन होता है। और दूसरा निष्कर्ष है, बड़े शहरों में यातायात जाम होना अपरिहार्य है। अब यदि हम पहला निष्कर्ष देखें, शहर के लोगों के लिए यात्रा करना बहुत कठिन है। अब यदि हम पहला वक्तव्य देखें, बड़े शहरों में रहने वाले लोग भीड़ भरी गाड़ियों या बसों में धक्कम धक्का करते हैं, तो भीड़ भाड़ और धक्कम धक्का से हमें यह ज्ञात होता है कि शहर के लोगों के लिए यात्रा करना बहुत कठिन है। तो पहला निष्कर्ष हमारा सही है। दूसरा निष्कर्ष देखें, बड़े शहरों में यातायात जाम होना अपरिहार्य है, लेकिन यह निष्कर्ष हमारे कथनों से मेल नहीं खाता। दूसरे वक्तव्य में दिया गया, ये सड़क पार करने के लिए तेज मोटर कारों से स्पर्धा करते हैं, लेकिन इससे यह नहीं पता चलता कि बड़े शहरों में यातायात जाम होना अपरिहार्य है। तो हमारा केवल निष्कर्ष पहला ही सही होगा। तो हमारा उत्तर होगा, केवल निष्कर्ष पहला निकलता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।